आपको बता दें कि जहां 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होता है, वहीं भारत का एक ऐसा राज्य है जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। वह राज्य कौन सा है, आइए जानते हैं। वह राज्य है गोवा, जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की हुकूमत से पूर्ण रूप से आजाद हो गया था, लेकिन गोवा वह राज्य था जिस पर भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगालियों का राज बरकरार था, इसलिए गोवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। आपको बता दें कि गोवा पर लगभग पुर्तगालियों ने 400 साल तक राज किया। भारत को आजादी मिलने के बाद गोवा 14 साल यानी 1961 में पुर्तगालियों की हुकूमत से आजाद हुआ। आपको बता दें कि 1510 में अल्फांसो द अल्बुर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर हमला बोला, जिसके बाद से गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। आजादी के बाद भारत सरकार ने गोवा को आजाद कराने का प्रयास लगातार जारी रखा, लेकिन भारत सरकार का हर प्रयास फेल होता रहा। लेकिन बाद में भारत सरकार ने गोवा को आजाद कराने के लिए हवाई हमले की तैयारी की और थल सेना को भी लड़ाई के लिए तैयार किया, और इस लड़ाई का प्रयास सफल रहा। 19 दिसंबर 1961 को भारत ने गोवा पर पुर्तगालियों के सरकार से उसको आजाद करा लिया, इसलिए गोवा अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 19 दिसंबर को मनाता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।